बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम डॉक्टर उमर हबीब है और आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो है गुर्दे के मरीज़ों के लिए कौन कौन सी खुराकी एहतियातें ज़रूरी हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। जो मरीज़ गुर्दे की बीमारियों का शिकार हैं, जो प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से या पेशाब की नाली के रुकावट की वजह से या किसी भी और वजह से, पथरी की वजह से वो गुर्दे की किसी भी बीमारी का शिकार हैं, उनको कौन कौन सी खुराक की एहतियात करनी चाहिए। आजकल डाइटिंग में सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ जो इस्तेमाल की जा रही है कीटो डाइट, एटकियन डाइट या लो कार्ब डाइट कही जाती है। इसका इस्तेमाल गुर्दे के मरीजों के लिए बहुत ज़्यादा बुरा है क्योंकि कीटो डाइट के अंदर सिर्फ लोग भुना हुआ गोश्त और दालें और अंडे की सफ़ेदी वगैरह इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट होता है और प्रोटीन के ब्रेक डाउन की प्रोडक्ट्स यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन है जो गुर्दे के जो है मरीज़ों के लिए पहले ही उनकी मकदार बढ़ रही होती है तो उसके असर नुकसानदेह होता है। कीटो डाइट या प्रोटीन ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स जिसमें क्रिएटिनिन यूरिक एसिड शामिल है जिसकी वजह से गुर्दे के मरीज़ों के लिए इसका बर्डन बढ़ जाता है, जो पहले ही इस बीमारी का शिकार है उनके अंदर ये बीमारी बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से नज़र आएगी, यानी कि ये डाइट उनके लिए बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। दूसरी एक किस्म की खुराक जिसको आजकल हम मतलब सीज़न है फ्रूट्स का और उसमें लोग जो है उनका ज़्यादा जूस बनाकर पीते हैं तो उसके अंदर नमक का इस्तेमाल कम से कम करें, यानी कि आपका नमक का इस्तेमाल और सोडियम का इस्तेमाल बहुत कम होना चाहिए। इसके अलावा जो केन्ड फूड्स मिलती हैं जैसे केन्ड फिश, मिल्क, चीज़ या इम्पोर्टेड आइटम्स जो आपको डब्बों की शक्ल में खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं जिसमें रोस्टेड आलमंड्स, नट्स और इस तरह की चीज़ें मिलती हैं, इनको भी अवॉइड करना चाहिए। गुर्दे के मरीज़ इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं खा सकते। इन चीज़ों के खाने से अगर जिन लोगों के गुर्दे की रिपोर्ट्स जिसमें जिस तरह हाइपोयूरिकोज़ूरिया हो जाता है या क्रिएटिनिन पहले ज़्यादा है, यूरिक एसिड पहले ज़्यादा है, उनके गुर्दों पे पहले ही लोड ज़्यादा होता है, अगर वो ये चीज़ें खाएंगे उनके ऊपर लोड बढ़ता जाएगा क्योंकि क्रिएटिनिन और गुर्दे के बाकी पैरामीटर्स वो मज़ीद ख़राब होंगे जिससे मरीज़ की हालत ज़्यादा ख़राब होती जाएगी और वो कहीं गुर्दा सफाई या ट्रांसप्लांट की तरफ ना चला जाए। इससे बचाने के लिए अगर गुर्दे के मरीज ये तमाम एहतियातें करें तो वो अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं। जिन जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ वो इन चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।